जब भी आप यहाँ पर लैपटॉप में वाईफाई का जो पासवर्ड आप डालते हैं कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, द नेटवर्क सिक्योरिटी की इजेंट करेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये क्यों ऐसा प्रॉब्लम आती है और इसे कैसे फिक्स करना है बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़रा स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं जब स्किप करेंगे वीडियो एक बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो आपको क्या क्या करना होगा बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको बोलता है द नेटवर्क सिक्योरिटी एजेंट करेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन। जो यहाँ पर पासवर्ड होता है गाइस वाईफाई का, तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं होता ऐसा बोलता है। तो आपको एक मरतबा चेक कर लेना होगा कि आपके आपका जो पासवर्ड है वही है या दूसरा आपने बदल दिया है। एक मरतबा आपने लैपटॉप में जाकर आपको देखना होगा कि पासवर्ड क्या है, फिर इसके बाद यहाँ पर चेक करके डाल देना है। अगर आपने करेक्ट पासवर्ड डाला है फिर भी आपको ऐसा दिखाई देता है तो आपको क्या करना होगा गाइज, एक मरतबा यहाँ पर नीचे आपको एक फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको फॉरगेट कर देना है पासवर्ड को, फिर एक मरतबा फिर से आपको पासवर्ड डालना होगा। उससे पहले आपको वाईफाई को आपके बंद करके चालू कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा, फिर इसके बाद कनेक्ट कर लेना होगा गाइज, कनेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम गाइज दरअसल ये वाईफाई से ही प्रॉब्लम आती है गाइज, क्योंकि ये प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है गाइज, ये क्योंकि ये प्रॉब्लम आती है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, ये हर बार ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आपको ऐसा कर लेना है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मुझे कहता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।